मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के, जहां हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट और कुछ पुरानी यादों को। दोस्तों, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते क्योंकि वो रिश्ता एक तरफा होता है। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा शादी नहीं की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संजीव कुमार की, जिनकी वजह से एक अभिनेत्री ने अपना घर नहीं बसाया। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बने रहे लास्ट तक। बॉलीवुड के 70 और 80 के दशक की एक्ट्रेस लक्षणा पंडित ने जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म उलझन से साल 1975 में की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट संजीव कुमार थे। सुलक्षणा की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही थी। सुलक्षणा संजीव कुमार पर फिदा थी और संजीव कुमार से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार का भी दिल उसी वक्त टूट गया जब हेमा मालिनी ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद संजीव कुमार ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला लिया। हेमा जी की शादी से इनकार करने के गम में डूबे संजीव कुमार को सुलक्षणा ने अपने प्यार से संभालने की कोशिश की, लेकिन संजीव नहीं माने। उन्होंने सुलक्षणा से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से सुलक्षणा का भी दिल टूट गया और उन्होंने भी सारी उम्र शादी ना करने का फैसला ले लिया। इस गम में डूबने की वजह से वे फिल्मों से काफी वक्त तक दूरी बना ली थी। फिर उनकी फिल्मों में वापसी मुश्किल हो गई थी। सुलक्षणा बहुत अच्छी सिंगर थी और अपने ब्रदर इन लॉ आदेश श्रीवास्तव के साथ एक भक्ति एल्बम लाने की योजना कर रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया। इसी के कुछ समय बाद सुलक्षणा के बाथरूम में गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना बंद हो गया। सुलक्षणा की 4 सर्जरी हो चुकी थी, फिर वो काफी मुश्किल से चल फिर पा रही थी। उनके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल इतना ही, कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई ट्रेंडिंग खबर के साथ। मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। We'll be right back.